हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम महाराष्ट्रियन स्टाइल से तीन पोड़ वाले रोटी बना रहे थे। इसके लिए मैंने दो बॉल भर के गेहूँ का आटा लिया है। इसमें डालते हैं हम एक टेबलस्पून ऑयल। अगर आप नमक खाते हो तो नमक भी डाल सकते हो। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और जो महाराष्ट्रियन रोटी होती है वो बड़ी बनाते, छोटी नहीं बनाते। गुजरात की जो फुलका और रोटी होती है वो छोटी छोटी होती है। तभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट डो बना देते हैं। इस तरह से हमने सॉफ्ट डो बना लिया है। इस तरह से अभी नीचे हम थोड़ा तेल डालेंगे और इसे वापस मसल लेते हैं। इस तरह से जितना आप मसलोगे ना तो रोटी आपकी इतनी भी सॉफ्ट और बढ़िया से आएगी। अभी इसे हमने ऑयल लगा दिया है तो इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। इसे कवर करते हैं। 5 मिनट हो गए, अभी देख लेते हैं। देखिए आटा भी हमारा सेट हो गया है। अभी इसमें से हम एक लोई तोड़ लेते हैं। इस तरह से इसे ही थोड़ा मसल देंगे। मसलने से क्या होता है, हमारी जो रोटी है बढ़िया से आती है। देखिए इस तरह से अब इसे आटे में डिप करेंगे और इसे हम इस तरह से लंबा बेलेंगे। इस तरह से हमने बेल लिया है। अभी इस तरह से हमने तीन पार्ट कर दिए। देखिए इस तरह से अभी इसे हम ऑयल लगाएंगे। तीनों का हमें ऑयल लगाना है और थोड़ा सा मैं आटा छिड़क देती हूँ। देखिए इस तरह अभी वापस हम इसे आटे में डिप करते हैं और इसे हम बेल लेते हैं। तवा हमने रख दिया है। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम रोटी बेल लेते हैं। इसे किनारे से बेलना है, इस तरह से घुमा घुमा के। देखिए इस तरह से हमने बड़ी रोटी बेल लिया है। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने तवा रख दिया है, उस पर हम डाल देते हैं रोटी। अभी एक साइड से हम होने देते हैं, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। अभी इसे हम टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आज कॉटन के कपड़े से सेकिए तो ये सब जगह से अच्छी तरह से सीख जाएगी। इस तरह से दबा दबा के सेकिए। हमें वापस इसे टर्न करेंगे। देखिए कोड़ देखिए इस तरह से। अभी देखिए इस तरह से ये जो कॉर्नर होता है ना ये अच्छी तरह से हमें सेकना है।
ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और दूसरी डाल देते हैं। इसे भी टर्न कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ से इस तरह से हो गई है, तो इसे इस तरह से आप कर दीजिए, दबा के रखिए सब तरह से, तो बढ़िया से सीक जाती है और अच्छे तरह से फूलते भी है। कितनी बढ़िया सी हो रही देखिए। अभी इसे वापस टर्न करेंगे, देखिए सब जगह से अच्छी तरह से फूल सीक जाती है और ये फूल जाती है। देखिए दूसरी रोटी भी हमारी अच्छी तरह से बढ़िया सी हो गई है, तो इसे हम अभी निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से आप देखिए इस तरह से ये होते कितनी बढ़िया सी लग रही है। चाहे तो आप इसे घी लगा दीजिए, तो मैं इसे घी लगा रही हूँ। इस तरह से आप घी लगा दीजिए। इसी पे जो हमने दूसरी रोटी ना वो लगा दीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए, मीन्स एक ही साथ आपके दो रोटी को घी लग जाएगा। पूरा इस तरह से लगा दीजिए, देखिए दोनों का अच्छी तरह से लग गई है। तो इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से तीन पुड़ वाली बड़ी सी रोटी बना दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। और इस तरह से बना दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और तीन पुड़ वाली रोटी जरूर बनाइए। धन्यवाद।